नमस्कार दोस्तों, मैं आरएस एलिवेटर से आदित्य प्रजापति। मेरा यूट्यूब चैनल आरएस एलिवेटर एंड टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज अपन आरकल के आर क्यूब जो कंट्रोलर है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये अपना कंट्रोलर है, बिल्कुल छोटा सा बॉक्स है, बिल्कुल प्यारा सा सिंपल सा बहुत छोटा सा बॉक्स है दोस्तों। तो आज अपन इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या है और क्यों इसमें कनेक्शन, मतलब क्या होगा, किस चीज़ के लिए है, किस टाइप का है। ये एनकोडर का भी है, विदाउट एनकोडर का भी है, ओपन लूप क्लोज लूप का भी है। और इसमें इसको मेंटेनेंस में अपन सबसे पहले बात करेंगे कि इसको मेंटेनेंस में अपन कैसे चालू करते हैं। तो दोस्तों, इसको मेंटेनेंस में चालू करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को थ्री फेज कनेक्शन देना पड़ेगा। थ्री फेज कनेक्शन अपन देंगे सबसे पहले L1, L2, L3 और N में। ये तीनों, ये थ्री पेस इनपुट आ गया अपना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके आगे ये B1 और B2 जो दिख रहा है आपको, ये अपना DBR का है, ब्रेकिंग रेजिस्टेंस का है। फिर उससे आगे UVW आपको दिख रहा होगा, UVW मेरा मोटर का हो गया दोस्तों, और मोटर का है ये। तो ये मोटर के कनेक्शन अपन को करना है। उससे आगे लिंक के कौन, ब्रेक के कनेक्शन कौन कौन से हैं। ब्रेक का कनेक्शन 840 है एक तो, और इससे नीचे 2000 है दोस्तों, जो अपन को दिख नहीं रहा। 2000 है वो, 2000 में इसमें नीचे वाले कनेक्शन में 2000 में होगा दोस्तों, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, इसका एक लिंक होगा BL2 आपको दिख रहा होगा दोस्तों, BL2, और इससे नीचे जस्ट BL1 है। इन दोनों में आपस में लिंक लगाना है। क्या करना है, इन दोनों को आपस में लिंक लगाना है, अगर आर क्यूब के पैनल को ऑन करना है मेंटेनेंस में चालू करने के लिए। फिर उससे आगे अपन क्या करेंगे दोस्तों, UL1 और UL0, ULI है वैसे तो, ये ULI और ULO, इन दोनों को आपस में लिंक देना है दोस्तों। फिर इससे नीचे UNI और UN0, UNI और UN0 जो आपको दिखेगा नहीं, बिल्कुल नीचे है दोस्तों, वो दिखता नहीं है वो। यहाँ मैंने ये वायर जो ये लिंक लगा रखा है नीचे वाले कनेक्टर में फर्स्ट में, ये है वो UN1, मतलब UNI और UN0। तो इसको लिंक करना है। इसके बाद अपन को और क्या लिंक करना है दोस्तों, इसके बाद अपन को लिंक करना है 110 से 110E, सिर्फ एक ही लिंक लगा हुआ है। फिर 116 से 117 करना है, और 117 से 118 करना है। फिर इसके आगे ये अर्थिंग का है, इससे आगे 120 से 130 करना है, और 130 से 135 करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर इससे आगे अपन को क्या करना है, 119B दिख रही होगी आपको, तो उससे आगे क्या करना है दोस्तों, 119B से 120 और 135 और 140 को शॉर्ट करना है। 119B से 120, 130, 135 और 140, 119B से 120, 135, 140, ये शॉर्ट करना है दोस्तों। और ये सारे शॉर्टिंग हो गए अपने कंप्लीट, ये अपन ने कनेक्शन कर दिए सारे कंप्लीट कनेक्शन अपने। ब्रेक के ये कनेक्शन हो गए, ये मोटर का आउटपुट जा रहा है, ये DBR का है, और ये मेन सप्लाई है दोस्तों। अब इसको मैं मेंस को चालू करता हूँ। ये सारी MCB अपन को ऑन रखनी है, इसको ऑन रखना है, और इसको वन में ऑन रखना है, वन की तरफ करना है। जब मेंटेनेंस में अपन रखेंगे तो वन में, और स्टॉप अपना अगर दबा हुआ हो तो उसको खींच ले बाहर की तरफ कर ले, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ, ये मैंने ऑन किया, डिस्प्ले में आया है दोस्तों, ये डिस्प्ले में आ रहा है। अब मैं इसको मेंटेनेंस में चलाऊंगा, ये भी डिस्प्ले में शो कर रहा है। अब सबसे पहले इसको ऑन करते ही क्या करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है दोस्तों। वो प्रोग्रामिंग क्या होती है, राइट को 7 बार दबाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार दबाना है राइट को। फिर उसके बाद क्या करना है, ये क्या बोल रहा है, अप प्लस डाउन बटन एक साथ दबने चाहिए, अप और डाउन बटन एक साथ। मैं ये दबा दिया,
ये लिखा आ गया दोस्तों, सेलेक्ट वर्जन, ठीक है। अब इसके लिए मेरे को एंटर का बटन दबाना है, ये मैंने एंटर कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब ये प्लीज़ वेट करके और इसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो, ये डिवाइस अपडेट हो रहा है, ये सर्चिंग कर रहा है आर क्यूब करके जो भी आ रहा है, सारा सर्चिंग हो रहा है, सर्चिंग देखो ऐसे सर्चिंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये सर्च हो रहा है, इसके हिसाब से ये सर्चिंग कर रहा है, इसके जो डाटा है उसको स्कैन कर रहा है, कहाँ क्या क्या करना है, इसको कहाँ कमांड देनी है कहाँ नहीं देनी, वो सारी डाटा को सर्च कर रहा है ये। तो ये सर्चिंग है इसकी, ये चल रही है दोस्तों, ये सर्चिंग हो गई, प्लीज़ वेट आ गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब अपन को ये जो डिस्प्ले पे आ गया ये, अब अपन आराम से, ये मेंटेनेंस स्पीड है अपनी, अब अपन देखें अप डाउन करके देखते हैं, ये मेंटेनेंस में है ही, अब ये इससे अप, इससे अप और इससे डाउन है, तो इससे डिस्प्ले में देखता हूँ पहले, चेंज हुआ, मेरी मोटर रन कर रही है, देखो अप में आ रही है मेरी मोटर, अप में आ रही है, ठीक है। और अब मैं इसको डाउन करूँगा तो डिस्प्ले में चेंज हुआ और ये डाउन में लिफ्ट, ये डाउन में जा रही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये डाउन में, ये देखो ये डाउन में चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ये अपना आर क्यूब का कंट्रोलर है, आर क्यूब के कंट्रोलर को इस प्रकार से चालू किया जाता है दोस्तों, जिसका ऊपर का ढक्कन आपने शायद इस टाइप का पैनल आपने पहले कभी भी देखा होगा, आपने पहले कभी देख लिया होगा इस टाइप का पैनल जो आता है, जिसको बोलते हैं आर क्यूब का कंट्रोलर। तो इसको, इसका आर क्यूब का कंट्रोलर है दोस्तों ये, और इसके हिसाब से आपको वो करनी है दोस्तों, ये मेरा आर क्यूब का कंट्रोलर है बिल्कुल, ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार का है, और ये डिस्प्ले में ये आ रही है, तो डिस्प्ले ये दिख रहा है, और ये DBR ऊपर रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू, ओके बाय।